So, hope all of you are fine. And आज हम ना क्लास 9 के फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट प्रैक्टिकल. गेट रेडी, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट प्रैक्टिकल टुडे. इस कंटेंट करता है, इसका मतलब यह था कि जो मैटर जो है ना, हमारा मैटर मैटर के जो पार्टिकल्स है, इन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है. आपको दिखाई दे रहा होगा, मैटर कंटेन स्पेस. हमने यह पढ़ा था कि हमारा जो मैटर्स है, हमारा मैटर्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है. मैटर्स कंटेन स्पेस, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जब भी हम किसी एक मैटर को दूसरे मैटर में ऐड करेंगे, जब भी हम किसी एक मैटर को दूसरे मैटर में ऐड करेंगे, तब क्या होता है? जब भी हम किसी एक मैटर्स को दूसरे मैटर्स में ऐड करेंगे, तब क्या होगा? अगर दूसरे वाले मैटर में स्पेस है तो वो तो उस मैटर में चला जाएगा. इफ द सेकेंड मैटर हैज स्पेस इन इट, वो तो चला जाएगा. सपोज ये मैंने एक पानी का बोतल लिया और पानी का बोतल जो है ना वो कंप्लीटली फिल्ड अप है. सपोज इमेजिन करो, पानी का बोतल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड अप है. अगर पानी का बोतल कंप्लीटली फिल्ड अप है तो इसमें अगर मैं और कहीं से भी पानी को ऐड करने की कोशिश करूं, क्या पानी ऐड होगा? नहीं होगा ना? होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी. नहीं होगा. बट अगर हम इसमें इतना सा स्पेस हो और इतना सारा खाली हो तो तब क्या होगा? तब तो ऐड हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा ना. तो जब भी हम एक मैटर को दूसरे मैटर में ऐड करेंगे, अगर मैटर में स्पेस है, अगर मैटर में स्पेस है तब क्या होगा? अगर मैटर में स्पेस है तो क्या होगा? तब तो आसानी से वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं. हम लोग करेंगे हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लास 9, जिसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपके लिए वो सीधा सीधा आपका प्रैक्टिकल का वीडियो होगा. या देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से दिस इज ए कॉपर सल्फेट, दिस इज ए कॉपर सल्फेट एंड दिस इज द कलर ऑफ द दिस इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट एंड वी हैव टेकन लिटिल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए बीकर, इन दिस बीकर एंड वी हैव डिजॉल्व द कॉपर सल्फेट इन दिस बीकर. इन अनदर बीकर दिस इज द जिंक मेटल, this is the zinc metal. So what we have done, we have taken the zinc, here we have taken the zinc granules and we have added the zinc granules here. So I think you can see the zinc granules there. Now what we will do, we will add the copper sulfate solution in the solution where zinc is kept. So we have given kya hoga isme. This one we have added where the zinc granules is kept, and you can see that the color of the zinc granules, it is getting completely changed. The color of the zinc is getting completely changed. Why? Because the color of the zinc is getting completely changed because this zinc is now not no longer zinc. It has become a new compound. ये एक नया compound बन चुका है अभी. ये अब zinc नहीं है. और ये कौन सा नया compound बन चुका है अभी? It has become zinc sulfate now. Now with time you will see that all the copper will be absorbed in the surface of the zinc and it will become zinc sulfate.